नमस्कार, न्यूज डेमो और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, बल्कि महाराष्ट्र की लगातार बात चल रही है। चाचा और भतीजे के बीच में जंग छिड़ी हुई है। हमने देखा है राजनीतिक विरासत को लेकर चाचा और भतीजे में पहले भी जंग हुई है। बिहार में पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के बीच में हुई, जिसमें चाचा विजयी हुए फिलहाल। और उसके बाद हमने देखा अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में भी जंग हुई। अब दोनों चाचा और भतीजा पास में आ गए हैं, लेकिन एक जमाने में दोनों के बीच में ठन गई थी। इस बारे में चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, औरंगजेब नक्शबंदी और गिरीश अवागड़े। गिरीश जो है वो हमें पुणे से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम गिरीश के पास चलेंगे। ऐसा लग रहा है अभी भतीजे का पलड़ा भारी है, वजह क्या हुई? दरअसल आप इस चीज को देखेंगे कि जो पिछले कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट हो रही है, तो ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो प्लानिंग चल रही थी अजीत पवार ग्रुप की, ये कोई आज की प्लानिंग नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार भी ये इस तरह से वो भाजपा के बीजेपी के साथ चले गए थे, तब उस समय शरद पवार भारी पड़े थे, नंबर्स गेम, नंबर के गेम। और इस बार अजीत पवार ने अप्रैल अप्रैल या उससे पहले से ये नंबर्स जुटाने शुरू कर दिए थे। और आज के डेट में अगर विधानसभा सदस्यों की बात की जाए, तो उस नंबर गेम में अजीत पवार फिलहाल आगे दिख रहे हैं। शायद वो एकनाथ शिंदे का पैटर्न भी पास कर जाए, उसी पैटर्न पे चले जाए, पैटर्न भी उनका सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके पीछे के और एक वजह है। ये वजह है कि एनसीपी के ज्यादातर एमएलए जो है वो दागी एमएलए है। उनके पीछे या तो कोई ईडी का कोई या फिर इनकम टैक्स का कोई झमेला उनके पीछे है, और ये सारे महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है कॉपरेटिव मूवमेंट्स से, ज्यादातर एमएलए वो कॉपरेटिव मूवमेंट से आते हैं। और उन कॉपरेटिव मूवमेंट को आजकल बीजेपी ने उसे ज्यादा टारगेट करना शुरू किया है। जब से अमित शाह कॉपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, तब से इन लोगों की जो नशे हैं वो बीजेपी की बिल्कुल हाथ में आ गई है। तो ये चीजें है कि भाई चलो आजी दादा के साथ चले तो बेटर रहेगा, कि हमारे फ्यूचर के लिए भी आगे भी अच्छा रहेगा। तो ये विचार करके ये एमएलए अजीत पवार के पीछे दिख रहे हैं। गिरीश, लेकिन शरद पवार मतलब 82 साल 83 साल के हो गए हैं, और उनको जोड़ तोड़ की राजनीति में महारत हासिल है। सब लोग मानते हैं कि अंत तक शरद पवार कुछ ना कुछ ऐसा खेल कर देंगे, जैसे कि पिछली बार ऐसा हुआ जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह जाके शपथ ली, जिसके बाद जो है अजीत पवार को वापिस आना पड़ा। और उसके बाद जब अजीत पवार ने दोबारा से विद्रोह की कोशिश की तो शरद पवार ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। तो ऐसा लग रहा था कि मामला जो है थोड़ा बहुत निपट जाएगा और भतीजा जो है वो अब शांत होके बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी मात हो गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार ने मात को शह में बदल दिया है, जिस तरीके से एमएलए और एमएलसी उनके साथ आए हैं। देखिए, इन चीजों को समझने से पहले आपको शरद पवार की फैमिली को समझना पड़े। अजित पवार जो है वो शरद पवार के जो भाई थे आनंद राव पवार, उनके बेटे हैं। जो अजित पवार बिल्कुल छोटे बच्चे थे, एकदम 5-6 साल के, तब अनंत राव पवार की हत्या हो गई। तो उसके बाद उनको इस मुकाम तक लाने का काम किया है शरद पवार ने किया है। उनका 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 एजुकेशन वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, उनको पॉलिटिक्स में लाना, उनको जब वो कुछ नहीं थे तब उनको पुणे जिला बैंक का प्रेसिडेंट बनाना, फिर उनको एमएल उनको एमपी बारामती से एमपी बनाना,
और ये सब पवार के नाम पे चला, तो ऐसा माना जा रहा था कि अजित पवार जो है वो शरद पवार के उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अजित दादा का स्वभाव जो है वो शरद पवार के स्वभाव की तरह नहीं है। पवार जो है वो बिल्कुल काफी सुलझे हुए इंसान है, और उन्होंने मतलब देर अपने कार्यकाल में महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने मैप किया है और उनको नाम से जानते हैं, नाम से पहचानते हैं। उन्हें लोग काफी लोग जोड़े अपने कार्यकाल में। लेकिन अजित पवार की वजह से पार्टी छोड़ने वाले लोग नेताओं की अगर आप लिस्ट देखोगे ना, तो ये लिस्ट आपको ये समझा देगी कि जिन जिन लोगों को शरद पवार ने अपने साथ ले लिया था, जो जो कास्ट समूह जैसे कि लक्ष्मण धोबले थे जो एक मातंग कम्युनिटी से आते थे, गणेश नाइक हुआ करते थे कभी, वो आगरी समाज के यहाँ से आते थे, फिर वो मधुकर राव पिचड थे कि जो आदिवासी समाज से आते थे, और बाकी तो एनसीपी तो मराठों की पार्टी मानी जाती है, तो विजय सिंह मोहिते पाटिल जैसे स्टॉलवर्ट लीडर थे जो एक जमाने में डिप्टी सीएम रहे महाराष्ट्र के, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। उनकी उनकी जो वो जो डिप उनकी जो जिंदगी में पहली अगर हार हुई है तो वो हार अजित दादा की वजह से हुई ऐसा माना जाता है। तो दादा की वजह से पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन दादा ने क्या किया उस समय, जब जब ये जगह रिक्त हुई तो वहां पे अपने लोग भरने शुरू कर दिए। तो दादा 20-25 साल में एक अपना गुट पार्टी में बना रहे थे। और दादा का अजित पवार का एक स्वभाव है कि वो बेधड़क है, और जब चाहे लोगों को अगर एक अच्छे संगठक के तौर पे उभरे हैं पिछले कुछ सालों से, तो दादा एक नए पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में महाराष्ट्र में पॉपुलर हो गए हैं, हुए थे। लेकिन दादा लेकिन उनको जो शरद पवार को सबसे बड़ा खतरा लग रहा था, तो खतरा वो था, ये था कि जो आइडियोलॉजी पवार लेके चले हैं, तो उस आइडियोलॉजी से अजित पवार काफी दूर है। दूसरी बात घर की, दूसरी बात इनके फैमिली की, क्योंकि इतने दिनों से गिरीश, मतलब एक उनके जगह मैं आपको फैमिली में, टोकना चाहूंगा, गिरीश माफ कीजिएगा, मैं टोकना चाहूंगा। आपने आइडियोलॉजी की बात की, लेकिन पवार फैमिली की कोई आइडियोलॉजी नहीं है सत्ता के अलावा, ऐसा माना जाता है। ये नहीं, आइडियोलॉजी ऐसा का माना कोई जाता है तो ये नेक्स्ट गलत, है? नहीं, ये धारणा गलत है। शरद पवार की माताजी थी वो क्षेत्रीय कामगार पक्ष, इसकी वो जिला कमेटी की मेंबर हुआ करती थी उस जमाने में, शारदा बाई पवार। और शरद पवार काफी प्रभावित है अपने माता से। उनके बड़े भाई थे जो जिनको अप्पा साहब पवार कहा जाता है, तो वो भी क्षेत्रीय कामगार पक्ष के काफी बड़े लीडर थे। लेकिन शरद पवार जो है वो अपने यंग पूरा जवानी के दिनों में वो कांग्रेस से जुड़ गए, यशवंत राव चव्हाण के साथ जुड़ गए। तो पवार साहब के बारे में एक चीज है कि भले ही उन्होंने पार्टियां बदली है, लेकिन आज भी उनकी जड़ें जो है वो ये क्षेत्रीय कामगार पक्ष की जो आइडियोलॉजी है उसमें, और अपनी और कांग्रेस की इर्द गिर्द घूमती है। तो उनके उन्होंने अपने जब एक बार मैं उनका उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आज भी मैंने पॉलिटिक्स की है, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैंने पॉलिटिक्स की है, लेकिन मेरे आसपास रहा है कोई अगर शब्द रहा है तो वो शब्द है कांग्रेस, उसको मैंने अभी तक वो मेरे यहाँ से मेरे आइडियोलॉजी से कभी गया नहीं। और ये क्षेत्रीय कामगार पक्ष की जो जड़ें है तो उसकी विचारधारा है, विचारधारा से मैं कभी दूर गया नहीं। तो हाँ, लेकिन उस जो समय समय पर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, तो उन्होंने हमने अंडरस्टैंडिंग की है, लेकिन 100% बीजेपी के साथ चले जाना ये चीज वो कर सकते थे इससे पहले, उन्होंने नहीं की है।
मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। आपका औरंगजेब, गिरीश ने बहुत ही अहम बात बोली। गिरीश ने कहा कि जड़े जो हैं वो उनसे शरद पवार बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, लेकिन जो उनके बारे में दिल्ली में और महाराष्ट्र से बाहर, और यहाँ तक कि पुणे और बारामती से बाहर जो पूरे महाराष्ट्र में धारणा है, उन्होंने अपने मेंटर को दगा देकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हासिल किया। उसके बाद पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी नीति के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी और बाद में कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाई। ये सब जो है, जो जो गिरीश कह रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? देखिए राजेश, आप ये देखिए कि जो घटनाक्रम हुए 2019 में, जो गिरीश बता रहे थे कि जैसे अजीत पवार चले गए और वापस, देखिए उस टाइम पे मैं हैरान था कि शरद पवार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर अजीत पवार ऐसा कर चुके थे उस टाइम, तो वो दोबारा भी करने वाले होंगे। ये कोई आम आदमी भी वहां बात कर रहा था कि ये अचानक ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई उनको उनकी याददाश्त खो गई थी अजीत पवार के, और वो चले गए देवेंद्र फडणवीस के यहाँ और रातों रात उन्होंने ओथ लिया। ऐसा कुछ होता नहीं है पॉलिटिक्स में। काफी जैसे गिरीश कह रहे थे कि ये आज से नहीं हुआ, ये चल रही है काफी देर से, ये बातें चल रही है। तो एक हैरान बात ये है कि शरद पवार टाइम, देखिए शरद पवार बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वेटरन पॉलिटिशियन है, कि वो टाइमली एक्ट नहीं कर पाए इस पे, ये थोड़ा सा हैरानकुन बात है। क्योंकि वो अदरवाइज जब कहते हैं वो उड़ती ही चिड़िया के पर गिन लेते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाए। ये पिछली बार भी नहीं कर पाए, जब तक कि वो वहां चले गए ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने जो भी वहां घटनाक्रम हुआ वो सब हम सबको बताया। दूसरा राजेश, मैं एक चीज और दे रहा कि महाराष्ट्र में ये पहला इंसिडेंट नहीं, आप देखेंगे शिवसेना के साथ भी बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को अपना जानशीन मान ऐसे चलाया था कि वही होंगे उनके पॉलिटिकल हेयर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में उन्होंने अपने बेटे को ही कमान सौंप दी। यहाँ भी शरद पवार, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को कमान संभालने दे रहे थे या सौंपने वाले थे कि अजीत पवार को जो पसंद नहीं आया, और ये सब कुछ चल रहा है। और अजीत पवार को ये रियलाइजेशन हुई होगी कि शरद पवार अपनी बेटी को ही बनाएंगे, मेरे को नहीं बनाएंगे। मैं उनको उन्होंने कोई पद भी नहीं दिया। पिछले कई दिनों से ये चल रहा था कि मुझे कोई पद देना चाहिए था, ये करना चाहिए। हो सकता है शरद पवार के दिमाग में कुछ बात और हो कि ये शायद पार्टी ही लेके चली जाए, कुछ ऐसा चल रहा है। रही बात आइडियोलॉजी की, जो गिरीश कह रहे हैं मैं मानने को तैयार हूँ। बहुत मुझे बड़ा ये नहीं मानने को तैयार हूं मैं कि इतनी जल्दी वो अपना, देखे इस एज पे वो अपना वो पुरानी आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ जाए, बड़ा मुश्किल है ये इस एज पे। यंग होते तो मान जाते, सुप्रिया सुले ऐसे करे तो मान जाएंगे, लेकिन शरद पवार देखिए 83 ईयर्स के हैं, और इस पड़ाव पे ऐसा ऐसी पलटी मारना पॉलिटिक्स में इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक अपने उस उनके लिए जो उनकी एक इमेज है उनके लिए बहुत मुझे नहीं लग रहा ये ठीक बात होगी, या अगर ऐसा होता तो ऐसा ठीक बात रहती। जी राजेश, अरे एक चीज और, आज एनसीपी की, शरद पवार गुट की कार्यकारिणी की मीटिंग है, दिल्ली में है, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है? देखिए वर्किंग कमेटी में एक रेजोल्यूशन आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है संभवतः, कि जिसमें ये जो गुट है इनको जितने भी एमएलए जिन्होंने कल डिफाई की व्हिप, उसको उनको सैक किया जाएगा। ये भी मुझे लग रहा है काफी पेचीदा मामला हो जाएगा। अब अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपने स्पीकर से उनका वो कर दिया, अप्रोच किया, तो बाद में बॉल स्पीकर के कोर्ट में रहेगी, कब वो फैसला लेंगे इस पे, कब वो होगा। क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि 10 और ये 7 महीने, 17 महीने, 17-18 महीने रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली चुनाव। हो सकता है कि महाराष्ट्र के चुनाव लोकसभा के साथ ही हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अब ये लंबा चलेगा, कोर्ट में भी जा सकता है। कि जैसे हमने देखा अभी शिंदे ने कैसे किया, ये जो शिवसेना के साथ हुआ, शिंदे ग्रुप ने फिर क्लेम कर दिया उद्धव ठाकरे, और अल्टीमेटली कोर्ट ने फिर वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनके फेवर में कर दिया।
और कोर्ट ने स्पीकर को बोला कि आप डिस्क्वालीफाई के वो मुद्दे को आप हैंडल कर लो। तो ये काफी लंबी प्रक्रिया चलेगी जो मुझे लग रहा है, इतना आसान नहीं है। दोनों गुट क्लेम कर रहे हैं कि वो असली एनसीपी हैं, ये कौन तय करेगा, कैसे तय होगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई चीजें इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, कई लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाएंगे दोनों गुट और अपना क्लेम करेंगे, वो देखने वाली बात है अब क्या होगा इसमें। राजेश, अजीत पवार की बगावत को लेकर बहुत सारी धारणाएं थी। एक धारणा ये थी कि शरद पवार और अजीत पवार की मिलीभगत में ये नूरा कुश्ती चल रही है, WWF किस्म की। दोनों पक्ष जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन अब लगता है कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है। शरद पवार ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, आइडियोलॉजी को लेकर लाइन ड्रॉ कर दिया है। और ऐसी क्या अहम बात है जो इस मौके पर शरद पवार जो हैं आइडियोलॉजी को लेकर इतने अड़ गए हैं? और जैसा औरंगजेब ने कहा कि इस उम्र में उनको लगता है कि अब वो ऐसी कोई पलटी मारेंगे, आइडियोलॉजिकल पलटी मारेंगे, मुश्किल है। क्या ये सिर्फ उम्र की बात है या शरद पवार को ये लगता है कि उनकी राजनीति, जो जिस तरीके की राजनीति वो करते आए हैं, वो बीजेपी के बाहर ही संभव है? आपने जो लास्ट वाली लाइन अभी बोली कि जिस तरीके से राजनीति वो करते आ रहे हो, बीजेपी के बाहर ही संभव है, ये बात सही है। क्योंकि बीजेपी की जो अभी नई वाली बीजेपी है, अगर वो पुराने वाली बीजेपी होती तो शायद पवार उनके साथ चले जाते, उनको कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन अभी जो नई बीजेपी 2014 के बाद उभरी है, तो उसके साथ जाना शरद पवार को मंजूर नहीं है, नंबर एक। नंबर दोन, ये अभी जो शरद पवार और अजित पवार के बीच में जो मामला चल रहा है, ये खाली सिर्फ आइडियोलॉजी को लेकर नहीं है, ये बड़े खेत के साथ कहा जाता है कि एक बोलना चाहूंगा कि ये घर का मामला भी है, घर का मामला भी है। क्योंकि पिछली बार जब अजित पवार के बेटे पार्थ जब मावल में लोकसभा की चुनाव हारे थे, तब से ये लाइन दोनों के बीच में ये ड्रॉ हो गई कि कभी अजीत पवार जीतते थे, कभी शरद पवार जीतते थे, ये आंदोलन ही चल रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम अजीत पवार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया इस बार, ये दूसरी बार, शायद फर्स्ट टाइम ये दूसरी बार बहुत बड़ा कदम उठाया, और ये कदम उन्होंने काफी रिस्क रिस्क लेके उठाया। वो जानते हैं कि आज भी शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, आज भी। जितनी लोकप्रियता बाला साहब ठाकरे की थी, शायद उससे आसपास उससे भी ज्यादा शरद पवार लोकप्रिय है। अजित पवार रहे, अजित पवार हो या फिर उनके साथ गए हुए जो बाकी के छत्रप नेता हो, या फिर फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, वो अपने अपने जिले तक सीमित, जो पूरे महाराष्ट्र की जनता को प्रभावित करे, ऐसा नेतृत्व ना ये तीनों पार्टियों के पास अभी फिलहाल नहीं है, नहीं है। तो शरद पवार को इस तरह से चारों तरफ से घेरना, ये अजित पवार ने बहुत बड़ा रिस्क इस टाइम उठाया है। ये जितना मेरी जानकारी है, शायद उतनी जानकारी के अनुसार, अजित पवार के बेटे, उनकी उनके दो अजित पवार के दोनों बेटे, और जो सुप्रिया, वो बेटे जो थे, वो सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाने के लेकर काफी नाराज चल रहे थे, खुद अजित पवार भी। और जब से वो सुप्रिया सुले कार्याध्यक्ष बनी है, उन्होंने अजित दादा का नाम भी नहीं लिया था कई जगहों पर, कई कार्यक्रमों में। तो थोड़ा सा ये भी जरा सा अटपटा सा हुआ था, दादा इससे भी काफी नाराज चल रहे थे अजित पवार, और उन्होंने ये कदम ले लिया है। गिरीश, एक चीज और। राजेश, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। अभी एक खबर आ रही है कि अजीत पवार ने एक 30 जून का एक ये दिखाया है कि उस दिन कार्यकारिणी बैठक हुई है जिसमें उन्होंने शरद पवार को हटा दिया पद से और खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए। अब ये क्या है, क्या इसमें किस चीज का संज्ञान लेंगे जो रेलिवेंट बॉडीज हैं, तो एक बड़ा ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। अभी उन्होंने कोई दिखाया है कि 30 जून को उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुला के उनको
उसमें सारे थे, और शरद पवार को हटा के खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया। नीतीश शायद लाइंस इसमें ज्यादा पर है। इधर से आपने पहले कहा कि शरद पवार खुद जो है वो अजीत पवार को सैक करेगा, उनके साथियों को सैक करेगा, उस संख्या में उन एमएलए को सैक किया जाएगा कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आए, और दूसरी तरफ से ये कार्यवाही की जाएगी। मैं गिरीश के पास वापिस चल रहा हूँ, दो छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा को विराम देंगे। पहली बात यह है कि अजीत पवार ने कहा कि उनकी तमन्ना चीफ मिनिस्टर बनने की है, वो पेरिनियल डेपुटी चीफ मिनिस्टर है, सदा के चीफ डेपुटी चीफ मिनिस्टर है। क्या बीजेपी में साथ जाने पर ऐसी कोई संभावना है कि उनको मुख्यमंत्री का पद मिल पाएगा? गिरीश, आपका माइक ऑफ हो गया है। जी मेरी समझ है और मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी कुछ दिनों के लिए अजित पवार को सीएम बनाए, हो सकता है, क्योंकि अगर शिंदे गुट के तो आप कह रहे हैं कि अजित पवार को कुछ दिन के लिए अजीत पवार के लिए संभावना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि अब एकनाथ शिंदे का क्या होगा? बीजेपी बहुत परेशान थी एकनाथ शिंदे से, बहुत उनके आपस में बहुत तनातनी चल रही थी, और लगता है कि अब जो है एकनाथ शिंदे की अजीत पवार के आने के बाद इतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। क्या शिंदे, अगर मान लीजिए बीजेपी, आप कह रहे हैं कि अजीत पवार जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो शिंदे किस हद तक जाएंगे? फिलहाल इस शिंदे गुट के, अगर कोई आप 2-3 दिन की उनके गुट के जो चल रहे हालात वो देखा जाए तो उनके बीच में हाथापाई भी हुई है कुछ एमएलए और मंत्रियों की। एक बैठक में उनके हाथापाई होने की खबरें भी आई। हो सकता है कि शिंदे गुट का विभाजन हो जाए और एक बड़ा गुट शायद फिर से वापस शिवसेना में चला जाए। ये पॉसिबिलिटी नाकारी नहीं जा सकती। ने चले बयान भी देखे हैं इस बारे में कि उद्धव अगर बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, ऐसा? जाएंगे, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये शिवसेना शिवसेना के लिए भी ये उनको वापस लेना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन एक ना जो है वो महाराष्ट्र के जीतन राम मांझी बनने जा रहे हैं, बस इतना ही। जी, इस मुद्दे पर हम जो है चर्चा को विराम देना चाहेंगे, लेकिन हम इस बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है अगले कुछ दिनों में पल पल करवट लेगी, और बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि चाचा और भतीजे की जंग में क्या होता है, और उस बीच में कांग्रेस शिवसेना क्या कदम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए, गिरीश आपका भी और औरंगजेब आपका भी। धन्यवाद। धन्यवाद।